आज हम अध्ययन करेंगे इटली के महान चित्रकार टिशिया के बारे में। टिशिया या टिजियानो वैचेल्लियो को इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। काफ़ी सीनियर मतलब इनकी महान चित्रकारों में इनकी गणना होती है और संभवतः इटालियन कलाकारों में सबसे अधिक आयु इन्हीं ने ही प्राप्त की थी। और इनकी जन्मतिथि के बारे में भी मतभेद है, 1487 या 1476 ऐसा मतभेद इनकी जन्मतिथि के बारे में है, सॉरी 1486 या 90, ये दोनों में से इनकी जन्मतिथि एक है, इसके बारे में मतभेद है। और 1576 में इनकी मृत्यु हुई थी। और आल्प्स की एक पहाड़ी के नगर फेडोर में इनका जन्म हुआ था और वह आरंभ में जेंटली बेलिनी और उसके बाद जियोवानी बेलिनी का शिष्य रहे। उन पर जॉर्जन का भी काफ़ी प्रभाव रहा। जॉर्जन यद्यपि उनके गुरु नहीं थे, फिर भी उनके द्वारा छोड़े गए अनेक चित्र टिशिया ने पूर्ण किए और उसके साथ सेवाशियानो ने भी कार्य किया। इस चित्रण ने टिशिया के उनको उनकी कला की विशेषताएं समझने और उसी की शैली में चित्रण करने का अवसर प्रदान किया। तो इस प्रकार से जॉर्जियन और सेवाशियानो का प्रभाव रहा और 1510 में जॉर्जियन की मृत्यु हो गई और सेवाशियानो रोम चले गए। इस प्रकार से टिशिया का कोई उस समय प्रतिद्वंदी वहाँ था नहीं और जियोवानी बेलिनी इस समय तक काफ़ी उनकी आयु हो चुकी थी। तो 1516 में उनकी मृत्यु के उपरांत वे वेनिस गणराज्य के शासकीय चित्रकार के रूप में स्थापित हो गए और प्रतिष्ठित हुए। और इस समय कुमारी का स्वर्गारोहण चित्र उन्होंने आरंभ किया जो 1518 ईस्वी में पूर्ण हुआ और इस चित्र से टिशिया की काफ़ी ख्याति बढ़ गई। यह चित्र वेनिस में पुनरुत्थान का प्रथम उद्घोष है। 1520 में उन्होंने बेकस और एरियन नामक चित्र की रचना की, इसमें झूठे प्रेमी थीसियस द्वारा एरियन को त्यागने पर मदिरा के देवता बेकस अपने रथ से उतरकर उनको सांत्वना दे रहे हैं। चित्र की आकृतियां, वस्त्र, प्रकृति, रेखाओं एवं रंगों सभी में एक अद्भुत गति और सौंदर्य और वातावरण की मुखरता है, जिस पर टिशिया की जन्मभूमि की प्रकृति की नाटकीयता का प्रभाव भी माना जाता है। 1519 से 1526 के मध्य पेसारो वेदी के चित्र में टिशिया की एक नवीन शैली का पूर्ण विकास दिखाई देता है। और 1532 में वह बोलोना में चार्ल्स प्रथम से मिले और वहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलियन चित्रकार द्वारा बनाए अंकित चार्ल्स के एक चित्र में की इतनी सुंदर अनुकृति की कि सम्राट ने उन्हें 1533 में अपना दरबारी चित्रकार बना लिया। धीरे धीरे टिशिया सम्राट के अच्छे मित्र बन गए और 16वीं शती के लिए ये एक ऐसी परिस्थिति थी अद्वितीय कि माइकल एंजलो और राफेल सेंजियो को छोड़कर अन्य कोई कलाकार इस स्थिति तक नहीं पहुंच सका था। तो इस प्रकार से टिशिया का अपना एक महत्व है इटालियन चित्रकला में भी और विश्व की चित्रकला में भी। 1580 में टिशिया और माइकल एंजलो का प्रभाव द्वितीयवादी कृतियों में देखा जा सकता है, मैनरिज्म जो स्टाइल है उसमें देखा जा सकता है। इसी समय उन्होंने रोम की यात्रा की जिसके कारण उनकी कृतियों में थोड़ा क्लासिकलिज्म शास्त्रीयता का भी प्रवेश हुआ। और 1545-46 में पॉल तृतीय उसके पौत्रों एवं 1548-49 में और 1550-51 में दरबारी व्यक्ति चित्रों की जो क्रमशः रचना टिशिया ने की, उससे इस प्रकार के चित्रों का एक विशिष्ट स्वरूप विकसित हुआ। इसी का उपयोग करके आगे चलकर पीटर पॉल रूबेंस आदि ने अपने व्यक्ति चित्रों में इसका प्रयोग किया है।
1555 में चार्ल्स की गद्दी छिन जाने पर टिशिया स्पेन के फिलिप द्वितीय की सेवा में चले गए। वहाँ उन्होंने काव्य एवं पुराण आदि के श्रृंगारपूर्ण कथानकों का चित्रण किया। इन चित्रों में टिशियान ने रंगों को बड़ी ही उन्मुखता से प्रभाववादी शैली के समान प्रयोग किया है। वेलास्के ने भी के चित्रों से भी प्रभाववादी चित्रकार प्रभावित हुए थे और इस प्रकार टिशियान के भी रंगों में प्रभाववादी शैली का एक तरह का आरंभ देखा जा सकता है। आकृतियों की सीमाएं धूमिल कर अंकित की गई हैं और आकृतियों को रेखात्मक ना बनाकर रंगों के धब्बों के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि प्रभाववादी शैली या चित्र 19वीं शताब्दी के चित्रों में से हैं, कलाकारों में से हैं, पर ये 16वीं शती में इस तरह का प्रयोग उन्होंने अपने चित्रों में किया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और 1560 में उनकी कला की बहुत आलोचना होने लगी और वास्तव में एक नवीन शैली का आविष्कार करने में वे लगे हुए थे। ईसा को कब्र में लिटाना, द एंटोमेंट नामक चित्र को अपूर्ण छोड़कर 1576 में वे चल बसे और इस चित्र को उनके शिष्य पाल्मा जियोवाने ने पूर्ण किया। और ट्रिशिया की अगर हम कला की बात करते हैं तो ट्रिशिया की कला में प्रकाश और रंगों की गति एवं संगति प्रदान की गई है। उसने आकृतियों को मूर्तियों के समान कठोर होने से बचाया और रंगों की शक्ति का पूर्ण उपयोग किया। इस प्रकार से प्रकाश और रंगों का इन्होंने बहुत ध्यान रखा। विषयों की दृष्टि से उन्होंने यद्यपि श्रृंगारपूर्ण कथानकों को ही अधिक चित्रित किया है, डेकोरेटिव वर्क आकर अलंकृत चित्र जिसको हम बोल सकते हैं उन विषयों को ज़्यादा चित्रित किया, तथापि दुखांत घटनाओं को भी गंभीरता एवं करुणा के साथ प्रस्तुत किया है। आधुनिक कला के जन्मदाताओं में भी उनका नाम लिया जाता है। ट्रिशिया ने चित्रण विधान का विवरण उनके चित्र शिष्य पाल्मा ने बताया चित्र विधान या चित्रण तकनीक के बारे में कि पहले वह चित्र के धरातल पर तुलका से रंग के धब्बे लगा देते थे। इन धब्बों से बनने वाली अमूर्त सी आकृतियाँ उनके मनोभावों को व्यक्त करती थी और इसके हेतु वे गेरुए तथा श्वेत रंग का प्रयोग करते थे। उसी तुलिका को काले, लाल अथवा पीले रंगों में डुबोकर वे केवल 3-4 स्पर्शों में ही कमाल की आकृति बना देते थे। इसके पश्चात वे रंगों में वे चित्र को दीवार के सहारे रख देते थे और महीनों तक उसको देखते तक न थे। तत्पश्चात फिर उसे देखते और एक शत्रु की भांति उसकी आलोचना करते और एक शल्यक की भांति उसे सुधारते। अपने ही बनाए चित्र की कमियां निकालकर उसको दुरुस्त करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात रही ट्रिशिया के बारे में। और इसके पश्चात उसमें मानव आकृतियों की कल्पना की जाती और शरीर वर्ण का प्रयोग किया जाता था। चित्र को पूर्ण करते समय वे अति प्रकाश और सीमा रेखाओं को कोमल कर देते थे। इस कार्य में वे तुलिका से अधिक अंगुलियों का प्रयोग करते थे। इसके द्वारा अंकित नारी आकृतियाँ ना नवयुवित हैं न अधिक बल्कि पूर्ण यौवन प्राप्त स्वस्थ एवं बलिष्ठ नारियाँ हैं। ट्रिशिया ने अनेक सुंदर चित्रों की रचना की है जिसमें कुमारी का स्वर्गारोहण, बेकसरिन नेरियन, फ्लोरा मैकडनिल, युवक अंग्रेज, दस्ताने सहित पुरुष, कामदेव की शिक्षा, पिएटा, उर्बिनो की विनस, कांटों का ताज, यूरोपो का शीलभंग, पवित्र तथा अपवित्र प्रेम, परस्यूज, एंड्रोमेडा और राजपरिवार तथा पादरियों के व्यक्ति चित्रों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पवित्रता तथा अपवित्र प्रेम शीर्षक चित्र में एक कुएं पर बैठी दो स्त्रियों को अंकित किया गया है, एक आवृत दूसरी अनावृत। इन्हें लौकिक तथा स्वर्गीय प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कुछ आलोकों ने इन्हें शालीनता तथा सत्य की प्रतीक भी बताया है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया इटली के महान वयोवृद्ध चित्रकार ट्रिशिया के बारे में और जिनकी अपनी प्रेरणा शैली रही, तकनीक रही और उन्होंने रंगों और प्रकाश का अपने चित्रों में
बहुत ही आधुनिकता के साथ प्रयोग किया। आने वाले लेक्चर में हम किसी और कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।